हेलो स्टूडेंट्स, तो हो गया बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम भी आज, और आई नो आप सभी बहुत खुश हो क्योंकि आप सबका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि जो आपने मेहनत करी थी, जो आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे वो आपके आए हैं और आप सभी बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा आया था, तो वेरी गुड। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बट इस मेहनत को जारी रखना है क्योंकि 31 मार्च को सेकंड फाइट है हमारी, क्योंकि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है, उस दिन बुक्स क्लोज करनी है ना हमें, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम भी है। तो लेकिन उसकी तैयारी हमें आज ही से करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिन कम है। अब आपको करना क्या है, आपको चैप्टर नंबर 3 यानी कि गुडविल वाला चैप्टर और चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, वो आपको आज ही ख़त्म करना है। दोनों चैप्टर्स इजी भी हैं और छोटे भी हैं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 26 मार्च को आपको करना है चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। 27 मार्च को आप करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दोनों के कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने इसको एक ही दिन में रखा। 28 मार्च को चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ वॉल्यूम 2 एंड चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ वॉल्यूम 3। 29 मार्च को हमें करना है चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके साथ चैप्टर नंबर 10 इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ वॉल्यूम 2। 30 मार्च अ डे बिफोर एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि उसमें हमें रिवीजन भी करना होता है और एक बार सैम्पल पेपर को भी गो थ्रू करना होता है, एक बार सॉल्व करके देखना होता है ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो उस दिन सिर्फ हम करेंगे वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 1 और 2, क्योंकि उससे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आता है, थोड़े से आपके कुछ, अब क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि एक चैप्टर हमारा ओमिटेड हो गया है इस वॉल्यूम का, तो उनको थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 करेंगे हम, और रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स की कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हमें एक बार गो थ्रू करना होता है, तो वो हम लास्ट डे पे ज़रूर करेंगे। तो ये 6 डेज की स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करी है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस तो नहीं खैर प्रोवाइड करा पाऊँगी, आपके पास अदर सोर्सेज भी है दैट आई नो, बट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे टॉपिक लगते हैं मैं उनकी वीडियोस ज़रूर बना दूँगी। लाइक इशू ऑफ शेयर कैपिटल में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आता है तो उसमें प्रोराटा फोफीचर री इशू करा दूँगी, और उसके अलावा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है, तो जो मुझे लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम कर रहे हैं टॉपिक्स, या मैं एक पोल भी रख दूंगी जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस में डाउट आ रहा है, अगर आपको मुझसे पढ़ना है वो तो आप उसमें बता दीजिएगा। बाकी आप बता देंगे जो टॉपिक्स उसकी वीडियो मैं बना दूंगी, अदरवाइज़ अपनी तरफ से मुझे जो करना है आपके लिए वो तो मैं करूंगी क्योंकि मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए कर पा रही हूँ, चाहे चलिए छोड़िए, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा इसको प्रिपेयर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हो सकता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक की आपको वीडियो अगली देखने को मिले, तो अभी फ़िलहाल रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।